हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज शर्मा जी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि बिहार का जो राशन कार्ड जो ऑनलाइन अप्लाई होता है वो किस प्रकार ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसका जो लिंक होता है वो जारी कर दिया गया। इसके बारे में स्टेप टू स्टेप आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। और अब जो होता है, फाइनल सबमिट करने के बाद इसका फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है उस एप्लीकेशन को कहीं जमा करना है या नहीं करना है, और राशन कार्ड में नाम जोड़ना है या किसी प्रकार की करेक्शन करवाने, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी और गलती कर देंगे तो आपका फॉर्म जो होता है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए दोस्त, आज का इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सारी जानकारी। दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको सर्च करना है EPDS बिहार करके, आपको सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा, देखिए epds.bihar.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद EPDS का जो ऑफिशियल साइट है, यानी कि फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जो, यानी खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का जो ऑफिशियल साइट होता है, वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। वैसे इसका लिंक जो होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर क्लिक करने के आप डायरेक्ट इस साइट पर आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है RC ऑनलाइन, यानी कि राशन कार्ड ऑनलाइन। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर ऑनलाइन RC, यानी कि अप्लाई करने के लिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज खुल करके आ जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले लॉगिन करने के लिए, तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आए तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा यूजर आईडी बनाने के लिए। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए रजिस्टर फॉर क्लिक हियर। तो उससे पहले यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे PDF है, तो PDF में सारी जानकारी दी गई है, तो एक बार आप PDF डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, मतलब कि फॉर्म जो है तो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर में जो है एप्लीकेंट का नाम देना है, इंग्लिश में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में उसका नाम देना है, यानी कि जिसके नाम से अप्लाई होगा उसी का नाम आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। उसका email ID देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद कैप्चर जो डाला होगा, कैप्चर यहाँ पे फिल करके गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक OTP जाएगा 6 डिजिट का, उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। और कैप्चर जो है यहाँ पे कैप्चर फिल करके वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का आ जाएगा। तो जिसके नाम से रजिस्टर किया उसका आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी चूज कीजिएगा, स्टेट तो बिहार रहेगा ही। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने का आपको अपना पिन कोड चूज करना है, पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बना लें, पासवर्ड मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, सेम इसी प्रकार का पासवर्ड बनाना है। यानी कि पहला अक्षर जो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डालिएगा और आपका 1 2 3 4 इस टाइप का डालेंगे, यानी टोटल कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। तो डाल करके यहाँ पे कैप्चर वाला कैप्चर डाल करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको जो है लॉगिन आईडी मिल जाएगा। लॉगिन आईडी को आपको कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट मार करके आपको रख लेना है। चलिए मैं कर लेता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ओके पे करेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ बैक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेप का पेज आ जाएगा, जो आपको आईडी मिला तो वो आईडी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पासवर्ड जो आपने बनाया तो वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद जो कैप्चर यहाँ पे फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने स्टेप का पेज आ जाएगा, ठीक है। पेज आने के बाद यहाँ पे आपको सब देख लेंगे, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा, सर आधार कार्ड का छाया पर्ची लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, निवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि आवासीय जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो संपूर्ण परिवार का एक फोटोग्राफी लगेगा जो JPG फाइल में रहना चाहिए। उसके बाद आवेदन का हस्ताक्षर रहना चाहिए, जो केवल फोटोग्राफी JPG फाइल में होना चाहिए। और विकलांग अगर डिसेबिलिटी है तो वो आप दे सकते हैं, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे आएंगे पे न्यू अप्लाई पे, ठीक है। न्यू अप्लाई पे आने के बाद यहाँ पे देखिए रूरल और अर्बन, यानी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से रूरल डालेंगे, अगर शहरी क्षेत्र से तो अर्बन डालेंगे। तो चलिए मैं ग्रामीण क्षेत्र का तो रूरल डाल देता हूँ। रूरल पे क्लिक करेंगे तो ये पेज क्या होता है कि बार बार रिफ्रेश होता है, ज्यादा देर लॉग इन नहीं होता, तो आप लॉगआउट हो जाएगा तो फिर से आप लॉग इन कर लीजिए। पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपका जिला सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। उसका क्षेत्र ग्रामीण ऑटोमेटिक, आपका जो भी अनुमंडल पड़ता है वो अनुमंडल आप डालेंगे, ठीक है। अनुमंडल डालने के बाद आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है वो ब्लॉक डाल देंगे। ब्लॉक डालने के बाद आपका जो पंचायत
पड़ता है वो पंचायत आपको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद ग्राम विलेज जो भी पड़ता है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, डालेंगे तो उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे जिसके नाम पे अप्लाई होना है उसका नाम रहेगा हिंदी में और इसका नाम होगा। यहाँ पे उसका पिता या पति का नाम अंग्रेजी में डालना है, यहाँ उसका पिता या पति का नाम, यहाँ पे अगर पति का नाम डालेंगे तो यहाँ भी आपको पति का नाम डालना है, हिंदी में डालना है। ठीक है, यहाँ पे उसका टोटल यानी कि पूरा जो पता होता है वो पता आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे जेंडर जो है वो जेंडर आपको फिल करना है, जो भी जेंडर है। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है आपको, वैवाहिक स्थिति है या नहीं तो वो आपको डालना है। ठीक है, कार्डधारी का संबंध यानी कि जिसका आप एंटर कर रहे हैं उसका कार्डधारी से क्या संबंध है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देना है उसके जाति कौन से जाति से वो बिलोंग करता है, वो जाति आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे व्यवसाय यानी कि किस प्रकार का व्यवसाय करता है वो जो भी है आप यहाँ पे देख लेंगे, अपने हिसाब से आप दे देंगे। आय का स्रोत क्या है, स्रोत यानी कि आय का स्रोत क्या है यानी कि किससे वो आय करते हैं वो आपको यहाँ पे, मासिक आय कितना है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि 10,000 से ज़्यादा आपको मासिक आय नहीं देना है। अगर 10,000 से ज़्यादा मासिक आय देते तो इसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 8,000, 7,000, 6,000 जो होता है वो डालें, यस कीजिएगा। अगर नहीं है तो आपको नो कर देना। ठीक है, बैंक खाता देना, जो भी बैंक है वो बैंक सेलेक्ट कर लेना, उसके अनुसार से यहाँ पे IFSC कोड आ जाएगा। तो आप अपना IFSC कोड सेलेक्ट कर लें, उसके बाद खाता संख्या जो होता है खाता संख्या डल करके आपको सबमिट पे क्लिक, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये आपको रेफरेंस आईडी मिला, ये रेफरेंस आईडी आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। उनको सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना, फिर से अप्लाई में आना। अप्लाई आने के बाद एडिट एप्लीकेशन पे आएंगे, तो एप्लीकेशन आपका सबमिट हो, एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद मेंबर डिटेल में आपको क्लिक करना है। मेंबर डिटेल में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक एक करके सारा मेंबर आपको ऐड करना है, सारा यहाँ पे डिटेल ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उनका नाम डालना है, उसके बाद हिंदी में नाम डालना है, पिता या पति का नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद फिर से हिंदी में डालना है, उसका जो लिंक है वो जो भी लिंक है वो लिंक सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और वैवाहिक स्थिति यानी शादी क्या हुआ है या नहीं वो डालेंगे, और कार्डधारी यानी कि जिसके नाम से कार्ड अप्लाई हुआ है और जिसका ऐड कर रहे हैं उससे इसका क्या संबंध है, उसका आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, व्यवसाय क्या करता है वो डालेंगे, व्यवसाय का स्रोत क्या है, आय का स्रोत क्या है वो डालेंगे, मासिक आय कितना वो डालेंगे, विकलांग है यानी यस करेंगे तो उसका डिटेल डालना होगा, नो करेंगे तो आप नो करके आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ऐड मेंबर पे क्लिक, चलिए मैं एक एक करके सब मेंबर को पहले ऐड कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे सारा डिटेल सही रहेगा, अगर डिटेल गलत रहेगा तो आपका नहीं लेगा, डिटेल सारा चीज सही रहेगा। जैसे जैसे आधार कार्ड में सेम टू सेम डालेंगे तो जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सक्सेस मेंबर ऐड सक्सेसफुल्ली। ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए नीचे में यहाँ पे मेंबर का नाम आ गया, सारा डिटेल आ गया। इसी तरह एक एक करके सारा जितना भी इसमें मेंबर है सारा मेंबर को आप एक एक करके ऐड कर लें। चलिए मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ। मेंबर ऐड करने के बाद फिर से अप्लाई में आएंगे, एडिट एप्लीकेशन में आएंगे, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में आएंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट में आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको फोटो अपलोड करना होगा, फैमिली फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसका साइज होना चाहिए मैक्सिमम 100 KB यानी 100 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और जिसके नाम से अप्लाई हो रहा है उसका सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है, उसका भी जो मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो 100 KB के होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, देखिए पहले आधार कार्ड अपलोड करना है यानी कि आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी है, उसके बाद बैंक पासबुक वो अपलोड करना है, आवासीय अपलोड करना है, और उसके बाद यहाँ पे संपूर्ण फोटोग्राफर यानी जो भी है वो भी अपलोड करना है, ये भी डाल दी है। उसके बाद स्कैन कॉपी जो है सिग्नेचर वो भी, इतना सारा चीज पे की। अगर विकलांग है उसका सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो ओके कीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये वो यहाँ पे अपलोड कर देना। चलिए मैं फटाफट एक एक करके सारा अपलोड कर देता हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल्ली यहाँ पे अपलोड हो गया। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पे, यहाँ पे फाइनल सबमिट पे, यहाँ पे में आएंगे, यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुल करके आएगा, जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारा डिटेल आ जाएगा, एक बार आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सारा डिटेल आने के बाद यहाँ पे जितने भी मेंबर का आपने ऐड करा उसका सारा डिटेल आ जाएगा ये चेक करने के बाद। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको सारा चीज़ को आपको नहीं नहीं करना है। ठीक है, इसमें से अगर कुछ भी चीज़ अगर आपके पास होता तो आपका जो राशन कार्ड होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज़ पे एक एक करके आपको ना पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना पे क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने का यहाँ पे घोषणा पत्र में आप, ठीक है, यहाँ पे पर और यहाँ पे जो भी अपने अपलोड किया है, अपलोड या डाउनलोड जो है, ये दोनों आप डाउनलोड करके रख लेंगे। चलिए मैं ये डाउनलोड पे लगा देता हूँ, ये मेरा दोनों जो है वो डाउनलोड पे हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड पे लगाने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही फाइनल सबमिट पे करेंगे यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको सारा, तो ये फाइनल
फाइनल सबमिट होने के बाद आपको ऐड करने का मौका नहीं देगा, तो ये सारा चीज़ देख करके आप फाइनल सबमिट यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर पेज रिफ्रेश लेकर के आपका जो फाइनल देखिए योर अप्लीकेशन फाइनल सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लीकेशन फाइनल सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है, ये फाइनल सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। तो कस्टमर को जो है ये रिसीविंग जो आपके सामने दिख रहा है ये रिसीविंग आप उसको प्रिंट करके दे सकते हैं। दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद आपको अभी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है कहीं पे सबमिट करना है नहीं करना है इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं आपको भी नहीं बताया। इसके लिए मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात, अगर किसी का राशन कार्ड पहले से बना हुआ उसमें अगर आपका अपना नाम ऐड करना चाहते हैं या नाम को मतलब कि हटाना चाहते हैं तो इस प्रकार के अभी किसी भी प्रकार का जो लिंक होता है वो एक्टिवेट नहीं किया गया। इसके बारे में भी अगर जैसे ही एक्टिवेट होती है या कोई भी नोटिफिकेशन आता मैं आपको वीडियो बना करके जरूर जानकारी दूंगा। और इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और मुझे अच्छा लगेगा। चलिए दोस्त आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद जय भारत।